इसी बीच रुका लेते एक और बड़ी खबर का। रामनगर में आज से शुरू होगा G20 समिट। 70 विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए खास तैयारियां की गई, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बताते चले कि 2000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तो G20 समिट की आज से शुरुआत होने जा रही है रामनगर में। 70 विदेशी मेहमान इसमें शरीक होंगे, शामिल होंगे, सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहने वाले हैं। 2000 से भी अधिक पुलिसकर्मी शामिल होंगे और मेहमानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो उसको लेकर प्रशासन पहले से अलर्ट मोड पर था, क्योंकि ये जो तैयारियां हैं लंबे वक्त से देखी जा रही थी। तो 70 विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए रामनगर बिल्कुल तैयार हो चुका है और ऐसे में आपको बताते चले कि 2000 से भी अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती है। तो रामनगर में आज से G20 समिट की शुरुआत हो रही है, बेहद खास माना जा रहा है ये। तो 70 विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए भी खास तैयारी की गई है और इस G20 से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर जो है वो दोनों ही बदलेंगी। तो रामनगर में आज से G20 समिट की शुरुआत, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हालांकि तैयारियां जो है लंबे वक्त से देखी जा रही थी। सहयोगी अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, G20 समिट की आज से रामनगर में शुरुआत हो रही है, किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आज जो पहली जो G20 सम्मेलन है उसकी आज पहली बैठक है। रामनगर में ये बैठक होनी है, उत्तराखंड में 3 ऐसी बैठक होनी है जिसमें से जो आगे की जो बैठक है वो मई और जून में भी होनी है। आज की अगर बात करें तो आज जो बैठक है वो करीब 4 बजे तक जो विदेशी मेहमान, जो 70 विदेशी मेहमान है उनके जो ठहरने की व्यवस्था है वो ताज रिजॉर्ट जो डिंडोली में है वहां पर जो है की गई है। करीब शाम 4 बजे तक ये सभी मेहमान आ जाएंगे और आज शाम को ही ये बैठक जो है होनी है। ये जो चरण है ये जो विज्ञान सलाहकार हैं, अलग अलग देशों के जो विज्ञान सलाहकार हैं वो एक ही टेबल पे होंगे और जो जलवायु परिवर्तन, हरित देश जैसे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर जो है इस बैठक में जो है चर्चा होनी है। इस बैठक में जो अलग अलग जो G20 समूह के जो देश हैं, जो 20 देश हैं वो उनके जो प्रतिनिधि हैं वो तो शामिल होंगे ही, साथ ही साथ जो अन्य संस्थाएं हैं करीब 20 से ज्यादा जो संस्थाएं हैं उनके प्रतिनिधि भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, शाम को इंतजार है। अभिषेक, यानी कि तैयारियां पूरी हो चुकी है। अभिषेक, जानकारी ये भी दीजिएगा कि प्रशासन कितना अलर्ट मोड पर है? बिल्कुल, देखिए प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है। कल ही क्योंकि एक जो G20 सम्मेलन से पहले एक धमकी भी रामनगर को मिली थी जो पाकिस्तान की तरफ से दी गई थी, सिख फॉर जस्टिस संगठन की तरफ से एक मैसेज वायरल किया जा रहा है, उसको देखते हुए जो उत्तराखंड SKF को जो DGP उत्तराखंड है उन्होंने जांच भी सौंप दी है, उसकी भी जांच की जा रही है। सघनता से प्रशासन को जो है अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके अलावा चप्पे-चप्पर पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जो पंतनगर एयरपोर्ट है जहां से जो सभी मेहमान लैंड करेंगे और वहां से लेकर के जहां तक जो ताज रिजॉर्ट है वहां तक की जो व्यवस्था है उसमें करीब 2000 से ज्यादा जवान इस पूरे सम्मेलन के दौरान जो है सुरक्षा में तैनात रहेंगे। इसके अलावा यहां पर G20 को लेकर तैयारियां भी पूरी हो चुकी है, प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, नजर बनाए रखिएगा आगे।